वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूं कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिर्क समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। और उसका कोई शरीक भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहेगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी का ही, सभी को ही एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। इस मैं पूरे भारत में नहीं कहूंगा, बल्कि पूरे विश्व में हमने अमन, एकता, भाईचारा कायम रखना है। इसी से हम सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें मानवता को भी बचाना है, हम सबको मिलकर इस धरती को भी बचाना है। जैसे कि प्रण किया गया है, संकल्प लिया गया है कि हमने सबको मिलकर इस धरती को हरा भरा रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है। और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका, मौलाना मदनी साहब का, मेरे बहुत ही सत्कार योग यहाँ बैठे ने स्वामी जी, मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।